उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन सड़कों पर कोहरा जानलेवा बन गया है। शाहजहांपुर में घने कोहरे के चलते आज बड़ा हादसा हुआ। वहीं लखनऊ और बहराइच में भी कोहरे से हादसे देखने को मिले। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सितम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्दी जहां ठिठुरन बढ़ा रही है, तो वहीं सड़कों पर सफर करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त और सुबह सुबह सड़क हाईवे पर घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से सफर जानलेवा हो जाता है। यूपी में कोहरे की वजह से कई जगहों से हादसे सामने आए हैं। शाहजहांपुर में घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रक और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अल्लाहगंज के फरुखाबाद मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। हादसे के शिकार सभी लोग घाट गंगा नहाने जा रहे थे। हादसे के बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। आज सुबह करीब 10:30 बजे ये अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सुखसुगी है, इसके पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कंटेनर और एक ऑटो के बीच में जो कोहरे के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 12 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जिसमें 8 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। जो अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये है कि ये सभी लोग जो दमगड़ा ग्राम है बदनापुर का, वहाँ से जो आपका पंचाल घाट है, वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे। इन्होंने गांव से ही अपना जो टेम्पो है वो किया था और उसके बाद वहाँ से आ रहे थे। हादसे की खबर घर वालों को दी गई, तभी से गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। जो गंभीर धाराएं हैं उनमें मुकदमा भी लिखा जाएगा। जो कंटेनर है उसको डिटेन कर लिया गया है और जो उसका ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए टीम लगा दी गई है, उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के तत्काल इलाज और मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। वहीं शाहजहांपुर में भी रोडवेज बस और डंपर की टक्कर हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी कोहरा जानलेवा बन गया। यहां एक बस कंटेनर में घुस गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा। हादसे में बस के परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि सुबह हाईवे पर जबरदस्त कोहरा था, जिसकी वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी, तभी एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोहरे की वजह से पहले एक ट्रक आगे चल रहे लोडर से टकराया, उसके बाद पीछे चल रहा कंटेनर और उसके पीछे प्राइवेट बस आपस में भिड़ गयी। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में जाम को हटाया गया। बहराइच में भी कोहरा मुसीबत लेकर आया। बहराइच लखीमपुर हाईवे पर जालिमनगर के पास एक डबल डेकर बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डबल डेकर बस मिहीपुरवा से हरियाणा जा रही थी, जबकि ट्रक लखीमपुर की तरफ से बहराइच की तरफ आ रहा था। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरा सड़क पर सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।